हेलो एवरीवन, ग्रेड टू कंप्यूटर चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। लास्ट लेक्चर में हमने कई सारे मशीन्स देखे जिसे हम अगर कुछ इंस्ट्रक्शन ना दे तब तक वो तो कुछ नहीं करेगा, राइट? हमें उसे इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, जैसे एसी था, जूसर, आटा मेकर, इन सब में हमें कुछ ना कुछ इनपुट देना ही पड़ता है, उसके बाद ही वो अपना काम करता है, राइट? उसे थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शन तो देना ही पड़ता है। ऐसे ही एक एग्जांपल था कंप्यूटर। यस, कंप्यूटर को भी हमें थोड़ा इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, उसके बाद ही वो काम करता है। इसका मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि मुझे अगर एडिशन करना है, मुझे दो नंबर्स के बीच में एडिशन करना है, तो मैं कंप्यूटर को जब तक बताऊंगी नहीं कि मुझे कौन से दो नंबर का एडिशन करना है, वो कुछ नहीं करेगा। पर कंप्यूटर को अगर मैं टाइप करके कहूँ 5 + 3, तभी वो मुझे आंसर 8 देगा। यस और नो? सो कंप्यूटर जो है वो पूरा एक IPO साइकिल, उसके बेस पे काम करता है। तो ये चैप्टर पूरा IPO साइकिल के बारे में है। लेट अस सी व्हाट दिस चैप्टर वांट्स टू टेल अस। नॉट एनी मशीन कैन वर्क ऑन इट्स ओन। ऐसा कोई भी मशीन नहीं है जो अपने आप ही स्विच ऑन होके अपना काम करे, राइट? ऑल मशीन्स फॉलो द कमांड्स, दे वर्क ऑन IPO साइकिल। सारे मशीन्स कुछ ना कुछ कमांड फॉलो करते हैं, उनका एक IPO साइकिल होता है। अब ये IPO साइकिल क्या है वो देखते हैं। IPO साइकिल मीन्स इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। ओके, I stands for input, P stands for process, O stands for output। इस साइकिल को कहते हैं IPO साइकिल, दैट इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल। अब इनपुट क्या है, प्रोसेस क्या है और आउटपुट क्या है, ये हम इन एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं। पहले देखो, यहाँ एक पेंसिल है जो शार्पन नहीं है, राइट? एक प्लेन पेंसिल है, राइट? जो ब्लंट है, ब्लंट यानी जिसके वो जो लीड होती है वो टूटी हुई है ही नहीं, ऐसे पेंसिल को ब्लंट पेंसिल कहते हैं। ये है हमारा इनपुट, यानी सबसे पहले हमने एक ब्लंट पेंसिल को लिया है, फिर हमने एक प्रोसेस किया उस पर। क्या प्रोसेस किया? कि हमने एक शार्पनर लिया और उसमें वो पेंसिल हमने रोटेट किया, घुमाया, है ना? शार्पनर में हमने जब एक ब्लंट पेंसिल घुमाया तब हमें एक शार्पन्ड पेंसिल मिली, यानी पेंसिल शार्प होके मिली, राइट? तो ये जो ब्लंट पेंसिल है वो क्या था? इनपुट। वो क्या है? इनपुट। ये ब्लंट पेंसिल वो हमारा स्टेप 1 है, राइट? उसके बाद उस ब्लंट पेंसिल को शार्प करने के लिए हमें शार्पनर इस्तेमाल करना पड़ा। यहाँ पे शार्पनर को हमें मशीन के साथ इमेजिन करना है, ठीक है? पेंसिल को शार्प करने वाला मशीन क्या है? शार्पनर। यस, तो शार्पिंग पेंसिल वो हमारा प्रोसेस हुआ, ठीक है? वो हमारा प्रोसेस हुआ। और आउटपुट यानी शार्पन होने के बाद जो पेंसिल हमें मिल रही है वो क्या है? शार्प्ड पेंसिल, दैट इज आवर आउटपुट, ठीक है? तो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, इसे नंबर कैसे देंगे? इनपुट होता है 1, प्रोसेस होता है 2 एंड आउटपुट होता है 3। नीचे सेकेंड एग्जाम्पल को देखो, यहाँ पे एक सिंपल क्लोथ है, कोई शेप नहीं है, बस उसे रोल करके रखा हुआ है, तो ये हमारा इनपुट हुआ। ये क्या हुआ? हमारा इनपुट। अब यहाँ एक लड़का उस क्लोथ को लेके स्टिच कर रहा है, यानी उस पर सिलाई कर रहा है, और इसका मतलब ये क्या हुआ? प्लेन क्लोथ के ऊपर कुछ प्रोसेस हो रहा है। यस, फिर उस कपड़े को उसने सी के एक अच्छा सा फ्रॉक बनाया, शर्ट बनाया है, राइट? तो ये क्या है? आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। लास्ट एग्जांपल देखो, आइसक्रीम बनाने की मटेरियल्स यहाँ पे है,
तो ये लड़की ने क्या किया, उस आइसक्रीम बनाने के मटेरियल को इकट्ठा करके मिक्स करके फ्रीज में रख दिया, फ्रीजर में रख दिया। यस शी पुट इट इन रेफ्रिजरेटर। फिर उसे क्या मिला, एक आइसक्रीम। फ्रीज होने के बाद वो जो खाने की चीज है वो क्या हुई, आइसक्रीम, राइट। तो अगेन ये रॉ मटेरियल जो है वो क्या है, इनपुट। उस पे प्रोसेस हुआ, यानी उसे मिक्स करके फ्रीजर में रखा, तो ये हमारा प्रोसेस हुआ। और आइसक्रीम जो हमें लास्ट में मिला वो था आउटपुट, राइट। तो वन इनपुट, सेकेंड प्रोसेस एंड थर्ड आउटपुट। सो दिस वॉज अवर टूडेज कंटेंट, दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ आईपीओ साइकिल, एक्सप्लेनेशन ऑफ आईपीओ साइकिल। बाय एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।